हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग का ज़माना वो ज़माना है जहां हर कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। अपने पूरे ज़िंदगी में कभी न कभी उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि कोई न कोई बीमारी उसे लग जाती है, चाहे वो बीपी की बीमारी हो, ब्लड शुगर हो, या टॉन्सिल की बीमारी हो, या टीवी है, या कैंसर है, या कोई सर्जरी से उसे गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उसके गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, या कहीं लंग्स में प्रॉब्लम है, या किडनी में प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ ये है कि आज इस धरती पर आपको 1% लोग मुझे लगता है ऐसे मिलेंगे जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो कह सकते हैं कि आई एम कंप्लीट हेल्दी सोल। वरना कुछ ना कुछ बीमारी हर एक के साथ लगी हुई है, और कुछ नहीं तो माइग्रेन का प्रॉब्लम, सिर दर्द की बीमारी। कारण आज की लाइफ, भागदौड़ की लाइफ में, कंपटीशन भरी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो इंसान को बीमारियों की ओर धकेल देता है ना चाहते हुए भी। कारण आज की बिजी लाइफस्टाइल और अनबैलेंस्ड डाइट एवं रात को भरपूर नींद ना लेना, जिसके कारण आज हर इंसान कहीं ना कहीं बीमारियों के चपेट में आ जाता है। और इसका मुख्य कारण यही होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जिनकी सोल पावर वीक होती है, यानी हमेशा नेगेटिव थॉट्स लेकर घिरे रहते हैं और एक ही बात को बार बार सोचते हैं, साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि यदि किसी ऐसे थॉट को जो हमारे लिए हानिकारक है, हम उसके बारे में लगातार सोचते हैं, तो ये किसी न किसी बीमारी को हमारी ज़िंदगी में लेकर आती है। लेकिन क्या कारण है कि डिवाइन अवतार जो होते हैं वो डिजीज़ फ्री रहते हैं? यानी क्या कभी आपने राम जी, कृष्ण जी, या विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं, या भगवान शिव के, या गौतम बुद्ध, जितने भी अवतार आप जिनका भी नाम ले लीजिए, कभी भी चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, किसी को भी कभी भी आपने नहीं सुना होगा उनकी किसी बीमारी का उल्लेख। या तो कभी हम लोग सीरियल देखते हैं उसमें दिखाया जाता है, या पुराणों में वर्णित है। तो क्या कारण है? आज इसी कारण पर मैं फोकस डालने जा रही हूँ। क्या कारण है डिवाइन अवतार बीमारियों से मुक्त रहते हैं, जबकि उनका कार्यकाल या जिस युग में वो आते हैं उसमें भी बीमारियां रहती हैं? पाप भी रहता है, अधर्म भी रहता है, अत्याचार भी रहता है, और एविल फोर्सेस भी रहते हैं, उनका काम भी आसान नहीं होता। इन सब के बावजूद भी कैसे डिवाइन अवतार अपने आप को बीमारियों से मुक्त रख पाते हैं? कल के अवतार भी जो कलयुग के हीरो हैं, कलयुग जो डार्कनेस का युग है, जहां बीमारियों का बोलबाला है, यानी हर चीज़ यहाँ पर नंबर वन, चाहे आप क्राइम कह लीजिए, चाहे आप करप्शन कह लीजिए, या डिजीज़ कह लीजिए। और अब तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी बीमारियों का उल्लेख किया गया है भविष्य मलिका में, जिनका कोई निचोड़ डॉक्टर भी खोज नहीं पाएंगे। कल के अवतार भी आज के युग के मानव अवतार हैं, लेकिन कैसे वो अपने आप को बीमारियों से मुक्त रखेंगे, पहला पॉइंट। और डिवाइन अवतार को क्यों नहीं कोई बीमारी छू पाती है, इसका मुख्य कारण क्या है, अब आप जानिए। सबसे पहला कारण कि हम लोग कभी भी किसी भी बात को, मान लीजिए हम कभी बीमार हुए, या हमें चोट लग गई, या हमारा कुछ ऑपरेशन हुआ, या हमें कोई बीमारी लगी है, तो हम लोग या फैमिली मेंबर के संग कोई दुर्घटना घटी है, उस चीज़ के बारे में, यानी जो अनवांटेड इंसिडेंट है, उसके बारे में लगातार ऐसे थॉट्स
क्रिएट करते हैं जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बनाती है फर्स्ट, सेकंड हमारे माइंड के पावर को वीक करती है, थर्ड हमारी सोल पावर को डिक्रीज करती है। यानी दिन भर हमारे शरीर के चारों तरफ वो नेगेटिव ऑरा बन जाता है जिसके कारण हम सही दिशा में न सोच पाते हैं और न सही दिशा में अपने आप को चला पाने में कामयाब हो पाते हैं। यानी हमारा जो वाइब्रेशन होता है, जो हमारे शरीर की एनर्जी निकलती है, उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण हम उस बीमारी से या उस दर्द से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। कलयुग में रहना है, एक से एक टफ नहीं बल्कि टफेस्ट सिचुएशन को फेस करना है, लेकिन उस टफेस्ट सिचुएशन में भी अपने वाइब्रेशन को कैसे बैलेंस रखना है, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखना है, और तीसरी बात अपने अंदर की इंटरनल पावर को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे हमें अपने पेन पर ओवरकम करना है, ये हर एक सोल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत काउंसिलर्स आपको मिल जाएंगे जो काउंसिलिंग करेंगे, लेकिन वो उतने समय के लिए जब आप उनके साथ बैठे होते हैं। जैसे ही काउंसिलिंग खत्म और आप अपने घर पहुंचते हैं, फिर से वही दर्द और फिर से उसी पेनफुल लाइफ में आप एंट्री मार जाते हैं और आपकी पेनफुल लाइफ, आपकी पेन इस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है जो कम होने का नाम नहीं लेती, और आपकी यही अनबेरेबल पेन जो किसी भी कारणवश आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके पारिवारिक कोई दुर्घटना हो गई है, आपके कार का एक्सीडेंट हो गया है, आपको व्यापार में या नौकरी में कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, शेयर मार्केट में आपको लॉस हो चुका है, यानी कारण कोई भी हो लेकिन आप पेन में हैं, आप पेनफुल लाइफ जी रहे हैं। मेरे पास भी बहुत लोग मैसेज करते हैं कि उनकी लाइफ पूरी पेन से भरी हुई है, और इसी के कारण, यही कारण, यही वजह है कि पेन जो है धीरे धीरे डिजीज़ का रूप लेती जाती है, आपके शरीर को वो कमज़ोर बना देती है और बीमारियों का प्रकोप, बीमारी के चक्कर में आप फंस जाते हैं। लेकिन डिवाइन अवतार जो होते हैं, कल्कि अवतार हो या कोई भी डिवाइन अवतार, वो दिन रात पेन में नहीं रहते हैं। जिस समय जिस चीज़ को सॉल्व करना है उस समय उस चीज़ को फेस करते हैं और उसकी ऊर्जा को अपने मेंटली, मेंटल हेल्थ के ऊपर असर नहीं डालने देते हैं। जैसे कि राम जी, उनके जीवन में कितना बड़ा पेन था कि रावण जो है उनकी पत्नी को उठाकर ले गया, इससे बड़ा पेन तो कोई हो ही नहीं सकता था राम जी के लिए। लेकिन अपने आप को बैलेंस करके उन्होंने उस युद्ध की तैयारी की, युद्ध की लड़ाई लड़ी और उस युद्ध में विजय प्राप्त किया और विजय को अपने नाम घोषित किया, और तभी वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि उनकी लाइफ उतनी ही बैलेंस्ड थी। अगर हम कृष्ण अवतार का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, तो कृष्ण भगवान को भी जन्म से ही उस पेन को सहन करना पड़ा जो कि एक आम इंसान के लिए असहनीय होता है, ना भूलने योग्य होता है, लेकिन उस पेन को सहन करने का नज़रिया उनका इस कदर था कि दुनिया के लिए वो एक मिसाल बने। कल्कि अवतार भी अपने जीवन में बहुत सारे पेन को अपने पॉजिटिव थॉट्स के कारण कुछ इस तरह बेयर करेंगे कि दुनिया वालों के लिए, हम सब के लिए वो एक मिसाल कायम करेंगे। तो आपको भी रहना है यदि बीमारियों से दूर, तो आपको भी अपने जीवन में आए हुए झटकों के द्वारा, आए हुए सडन इंसिडेंट्स के द्वारा जो पेन मिला है, उस पेन को आपको खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।